आज देख लो इन मशहूर सेलिब्रिटीज के असली चेहरे। जी, जो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं या जो भी सेलिब्रिटीज के असली चेहरे आज मैं लेके आया हूं, आप उनको देख के शॉक हो जाओगे कि पर्दे के सामने ये कैसे दिखते हैं और बिहाइंड द सीन यानी पर्दे के पीछे ये देखने में कैसे हैं। आप लोग शॉक हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपका मेजबान तौकीर हुसैन एक बार फिर से अपने YouTube मंच पर आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों, ज्यादा डिले नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में एक बार फिर से तफसीली बातचीत करेंगे। हेलो भाइयों, मैं हूं फैक्ट भाई। और 6000 साल पहले इजिप्शियन लोगों से शुरू हुआ मेकअप का सिलसिला असल में उनके गॉड्स को बुलाने के लिए किया जाता था, लेकिन आज सेलेब्स इसे बस सुंदर दिखने के लिए करते हैं। जैसे कि हमेशा इवेंट्स में चमकने वाला ये सुपरस्टार किंग खान, जो असल में ऐसे दिखते हैं, या फिर अगर हम बात करें उनकी बेटी की तो वो अभी ऐसी दिखती हैं। खो गए ना होश। पर अगर फैक्ट भाई ये कहे कि सुहाना मेकअप के बिना थोड़ी अजीब लगती हैं, तो ये फैक्ट यूं ही नहीं बोल रहा, इसकी हेरा फेरी आपको वीडियो के आगे मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्यों दुनिया के सामने बिंदास घूमने वाली उर्फी बिना मेकअप के मीडिया के सामने क्यों मुंह छुपाती हैं। तो चलो देखते हैं मेकअप के बिना कौन कैसे किस तरह दिखता है। नंबर वन, शाहरुख खान। इस लड़की ने शाहरुख खान जैसा मेकअप तो कर लिया, लेकिन शाहरुख ऐसे दिखते ही नहीं। वो तो असल में ऐसे दिखते हैं, पर फिर मूवीज में उनके लुक, इवेंट्स में इतनी चमक दमक आती कहां से है? सारे सवालों का एक जवाब, मेकअप। अगर हम फैन मूवी की बात करें तो इस मूवी के लिए ऑस्कर विनिंग मेकअप मैन को बुलाया गया था, जिसके ब्रश ने ऐसी जादू की कि लोग एसआरके को पहचान ही नहीं पाए। पर चाहे मेकअप कितना भी अच्छा हो, इतने सालों से मेकअप करते आ रहे शाहरुख अब कई स्किन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर मेकअप करने से ये सब बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, एसआरके के मेकअप आर्टिस्ट ने खुद कहा है कि एसआरके काम में इतने बिजी होने के कारण अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते। अब ख्याल नहीं रखोगे तो ऐसे दिखोगे ही। नंबर टू, सुहाना खान। 30 साल बॉलीवुड में बिताने के बाद शाहरुख की बेटी सुहाना का अब दौर आया है, क्योंकि अब वो अपना डेब्यू जोया अख्तर की फिल्म में करने वाली हैं। लेकिन इससे पहले वो एक बार छोटे पर्दे पर दिखकर अपने फैंस के दिल में एंट्री कर चुकी हैं। हालांकि जब वो पब्लिक में दिखाई देने लगी तो लोगों ने ये कहकर ट्रोल किया कि इन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है, मगर भाई लोग, सुहाना ने एक ही पोस्ट डाल के सारे ट्रोलर्स का मुंह बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी कई लोगों ने उनके इस फोटो को लेकर काफी मजाक उड़ाया, और तो और नेपोटिज्म को लेकर भी इन पर कई सवाल उठे, क्योंकि जब वोग ने सुहाना को अपने मैगजीन के कवर पर डाला तो लोगों ने इतने नेगेटिव कमेंट्स किए कि वोग को अपना कमेंट सेक्शन ही बंद करना पड़ा। पर सुहाना अब अपने करियर के बारे में कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं, जिसके चलते उन्हें अपना पहला ब्रांड एंडोर्समेंट भी मिल गया है। नंबर थ्री, उर्फी जावेद। आज उर्फी जावेद किस चीज को लेकर ज्यादा मशहूर है? अपने अतरंगी कपड़ों को लेकर, राइट? पर क्या आपने ये सुना है, एलर्जी इज सो बैड, यू गाइस कैन सी, लाइक लिटरली, है ना? फाइनली अब एक एक्सप्लेनेशन। और दूसरी चीज जिससे उर्फी जावेद फेमस है वो है उसका मेकअप। इसीलिए तो कैमरा जहां उर्फी वहां। लेकिन जब वो मेकअप नहीं करती तो कुछ इस तरह कैमरे से छुपती है। आप भाग क्यों रहे उर्फी जी? अपना मुंह पेपरेजी से छुपाने के बाद उर्फी का अपना डार्क सर्कल्स के बारे में कहना है कि देयर इज स्कैम, देयर इज नो क्रीम दैट विल लाइटन योर डार्क सर्कल्स, नथिंग। शायद आज भले उर्फी अपने मेकअप और फैशन स्टाइल से खुश दिखती हो, पर एक समय उनकी लाइफ का मोड ऐसा था कि वो सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन उससे बाहर निकलकर उन्होंने सीरियल्स करना शुरू कर दिया, और अब वही उर्फी अपने अतरंगी स्टाइल और मेकअप से मशहूर होकर रियलिटी शो में नजर आती हैं। नंबर फोर, आलिया भट्ट। ये है आलिया का मेकअप लुक, और ये नो मेकअप लुक यानी उल्टा, और ये अपना नो मेकअप लुक लेकर कई जगह शान से फिरती हैं, जिम में भी। आप भी आलिया के इस नो मेकअप ग्लो का सीक्रेट जानना चाहते हो तो सुनो, इसका राज है अच्छा स्किन केयर और एक अच्छा डाइट। आलिया के मुताबिक अच्छे डाइट से सिर्फ हेल्थ नहीं बल्कि ब्यूटी भी निखरती है। इसीलिए आलिया दिन के 8 ग्लास पानी के साथ 6 से 8 मील एंजॉय करती हैं। पर एवरेज इंडियन के लिए ये डाइट फॉलो करना नामुमकिन है। ऑलरेडी इंडिया की जनता 2025 कैलोरीज अ डे, बोले तो जरूरत से 10% कम कैलोरीज कंज्यूम करती है। ऐसे में आपके डेली डाइट के डेली रिक्वायरमेंट को बैलेंस करने
करने के लिए फैक्ट बाई लाया है 20 साल का तजुर्बा रखने वाला सुनोवा ऑर्गेनिक स्पिरुलिना कैप्सूल। ये ऐसा नेचुरल मल्टीविटामिन है जिसमें 60-65% नेचुरल प्रोटीन, 10+ विटामिन और 10+ मिनरल्स है। सुनोवा में मौजूद स्पिरुलिना एक ऐसा सुपर फूड है जिसे नासा ने तक स्पेस में यूज किया है। प्लस 100% वीगन होने के अलावा इससे आप एनर्जेटिक रहते हो, आपकी मसल स्ट्रेंथ, स्टैमिना प्लस इम्यूनिटी बढ़ती है और आप थकन के साथ साथ वायरल इन्फेक्शन से भी दूर रहते हो। तो देर किस बात की है, अभी ऑर्डर करें इस बिना साइड इफेक्ट वाली कैप्सूल को। और अब जब आपको आर्या के ग्लोइंग चेहरे का राज पता चल ही चुका है तो ये भी जान लो कि इन्होंने पूरी हाईवे मूवी में बिना मेकअप ही एक्टिंग की थी। नंबर 5, राखी सावंत। कभी फातिमा दुर्रानी तो कभी राखी सावंत और करियर के शुरुआती दिनों में तो रूही सावंत। इतने सारे नाम रखने वाली का असली नाम है नीरू भेड़ा। ये बहुत ही खतरनाक लड़की है, नाम तो ऐसे बदलती है जैसे कपड़े बदलती है। 1997 से बॉलीवुड में एंट्री मारकर राखी सावंत ने कई रोल्स निभाए थे, लेकिन अब राखी सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज के इर्द गिर्द दिखाई देती हैं। भले वो जिम जा रही हो या कोई इवेंट हो या ऐसे ही टहल रही हो, पेपराजी कैसे भी इन्हें ढूंढ निकालते हैं, फिर चाहे वो मेकअप के साथ हो या मेकअप के बिना। फैक्ट भाई को ये पता नहीं चल रहा कि मेकअप के साथ ये अच्छी लगती है या मेकअप के बिना। क्या लगता है आप ही बताओ। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जहां बॉलीवुड के हर सितारे अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी को छुपाते फिरते हैं, वहीं राखी सावंत ने एक इंटरव्यू में बिंदास बोल दिया कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। नंबर 6, रजनीकांत। 70 साल की उम्र में जहां सितारे ऐसे दिखते हैं, वहां हमारे रजनी थलाइवा ऐसे दिखते हैं। वेल भाई लोग, ये जादू होता है मेकअप से, क्योंकि असल में तो रजनीकांत भी ऐसे ही दिखते हैं। और सबसे देखने लायक तो उनका चिट्टी का मेकअप था, क्योंकि इस मूवी में रजनीकांत ने मेकअप के साथ साथ VFX का भी सहारा लिया था। मगर रजनी मेकअप के साथ साथ बालों के लिए भी काफी मशहूर रह चुके हैं, पर जब उन्होंने अपने बालों को डाई लगाना शुरू किया तब से उनके बाल झड़ने लगे। लेकिन भाई लोग, भले आप मेकअप लगाओ या विग लगाओ, स्टंट तो आपको ही करने पड़ेंगे, है ना। इसीलिए रजनी अपने स्टंट्स के लिए डाइट और स्ट्रिक्ट वर्कआउट रूटीन रखते हैं, और यही वजह है कि लोग इन्हें इतना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ना, तलाइवा के 71st बर्थडे पर तो लोगों ने पूरे 71 फीट का केक काटा था। नंबर 7, न्यासा देवगन। अगर आप वीक में 3 बार फेस मास्क लगाओगे तो ऐसे दिखोगे। ये फैक्ट भाई नहीं, काजोल का कहना है, क्योंकि वो कहती हैं कि न्यासा ने अपने मेकओवर के लिए सिर्फ फेस मास्क और डाइट का ही इस्तेमाल किया है। जहां न्यासा बिना मेकअप ऐसी दिखती हैं, वो पहले ऐसी दिखती थी, लेकिन जब लोगों ने उन्हें ऐसे देखा तो उनके दिल में एक ही ख्याल आया, प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है। क्योंकि दुनिया भर में कॉस्मेटिक सर्जरीज को लेकर भारत 4th नंबर पर आता है। सोचिए, मतलब आपके आजू बाजू के कितने लोगों ने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई होगी। ऐसी एक सेलिब्रिटी हैं जानवी कपूर, जो बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ही सर्जरी करवा के आई थी। अपने कदम बॉलीवुड में रखने के साथ ही जानवी ने सारा मीडिया और फैंस का ध्यान खींच लिया, जहां कई बार वो नो मेकअप लुक में भी नजर आती हैं। लेकिन सर्जरी को लेकर इनकी फैमिली हमेशा आगे ही है, क्योंकि पहले आई श्रीदेवी, फिर जानवी और फिर अब उनकी छोटी बहन खुशी कपूर। बस पीछे रह गए तो ये। नंबर 8, सोनम कपूर। 100 करोड़ कमाने वाली भाग मिल्खा भाग के लिए सोनम कपूर ने सिर्फ 11 रुपए चार्ज किए थे, लेकिन सोनम को एक्टिंग से ज्यादा पर्दे के पीछे काम करने का शौक था। इसीलिए सांवरिया में डेब्यू करने से पहले उन्होंने ब्लैक में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, और जब वो उसके बाद बॉलीवुड में आई तो लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, कभी फैशन को लेकर तो कभी ऊट पटांग स्टेटमेंट्स को लेकर, कभी उनका बिना मेकअप वाले लुक को लेकर तो कभी मेकअप के साथ भी, क्योंकि तब उनका फाउंडेशन फेस से मैच नहीं करता था। लेकिन इन सब के बीच बेचारी सोनम सबका जवाब अपनी स्माइल से देती है। इनफैक्ट उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें वो वोक के लिए पूरा मेकअप ट्यूटोरियल दिखा रही थी। मतलब अगर गौर से देखें तो सोनम को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट भाई ने तो आपको सबके असली चेहरे दिखा दिए, पर आपको उनके असली धर्म के बारे में जानना है तो आई बटन पर क्लिक करें। जैसा कि मैंने बताया था इस वीडियो में, अगर आप हेल्दी एंड एनर्जेटिक रहना चाहते हो तो स्पिरुलिना जरूर ट्राई करना और अपना फीडबैक भी शेयर करना। लिंक आपको बताइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबने देख ली होगी, और वीडियो देखने के बाद आपका भी वही रिएक्शन होगा जो मेरा है कि पर्दे के आगे ये सेलिब्रिटीज कैसे नजर आते हैं और पर्दे के पीछे इनका असली चेहरा क्या है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना, अपनों का, अपने समाज का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।